मैं इस मुद्दे के साथ थोड़ा सा लेट आया हूँ, इसलिए मैं समझ चाहता हूँ किन्हीं कारणों से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन खैर इस टॉपिक को देखने का थोड़ा दूसरा नजरिया इसलिए आपके सामने मैं आया हूँ। आप इस पोस्ट को देखिए, ये पोस्ट न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा क्रिएट किया गया है, ये आर्टिकल 28 जून का है, ठीक है। ट्विटर पर जब इस तरीके का पोस्ट किया था, आप जो देख रहे हैं इसमें टेक्स्ट अलग से लिखा गया है, लिंक अलग से डाली गई है और फोटो अलग से लगाई गई है, ठीक है। आप सीक्वेंस समझने की कोशिश करिए, इसी का जब आर्टिकल अगर आप खोलेंगे लिंक पर क्लिक करके तो आर्टिकल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि आप जब इंडियन प्रीस्ट लिखते हैं और फोटो ये लगाते हैं, इंडियन प्रीस्ट से भी लोगों को ये हिंदू साधु संत ही नज़र आते हैं, नो डाउट। जब ये फोटो आप लगाते हैं तो और पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ किसी हिंदू के द्वारा किया गया कृत्य है, हिंदू साधु संत के द्वारा किया कृत्य है। जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो पता चलता है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना है कि एक मौलाना है, मौलवी है, उसकी दो पत्नियाँ ऑलरेडी हैं, जब वो तीसरी शादी करने जाता है तो उसकी एक पत्नी उसके प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, जिससे मौलाना की मृत्यु हो जाती है। मौलाना की उम्र क्या है, 57 ईयर के आसपास व्यक्ति तभी शादी करता ज़्यादातर, अगर वो मुसलमान है तो, क्योंकि उसको प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी को अपने जीवनी मिलाना होता है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ही 50-55-60 साल की उम्र में 6 साल या 9 साल की आयशा से शादी करते हैं, ठीक है। 6 साल की आयशा से शादी करते हैं, 9 साल का वेट करते हैं ताकि उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकें। बहुत बड़ा इंतजार था उसके लिए, उनको जरूर फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा इन्हें लगता है। तो इन्होंने ऐसा किया। अब जब आर्टिकल रियलिटी किसी मौलवी को डिफाइन करती है तो यहाँ हिंदू प्रीस्ट की फोटो लगाने की क्या जरूरत थी और इंडियन प्रीस्ट लिखने की क्या जरूरत थी, आप मौलवी भी लिख सकते थे। अब यहाँ जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पोर्टल्स, BBC वाले, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, ये वॉशिंगटन पोस्ट वाले, ये न्यूयॉर्क पोस्ट वाले, इन सब का आप एजेंडा समझने की कोशिश, इससे इन्होंने अपनी दो चीज़ साधने की कोशिश की। पहली कि हम अगर इंडियन प्रीस्ट लिखेंगे सबके दिमाग में ही क्लिक करेगा किसी हिंदू साधु संत की बात हो रही, क्योंकि इंडिया मतलब हिंदू मेजॉरिटी नेशन, मतलब हिंदू की ही बात हो रही होगी, तो लोगों के पहले क्लिक ये करेगा किसी हिंदू साधु संत ने किया है। फिर अगर हम फोटो हिंदू साधु संत की लगा देंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी और कन्फर्म होती जाएगी, किसी हिंदू ने ही किया तो हिंदू की छवि खराब होती जाएगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही शेयर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अच्छा हिंदू 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 डिमीन करते हैं, जल्दी हिंदू फोबिया फैलाते हैं, कर दिया। अब बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, उसको अच्छा देखें जरा क्या हुआ, ये जांचने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और तब तक अफवाह फैल चुकी होती है, बदनामी हो चुकी होती है, तो इनका इंटेंशन नहीं था। अब जब इस बात पे पूरा ट्विटर पे लेके हर जगह इस बात का उसको लिया गया नोटिस में, इसको शेयर किया गया, सब पूछा गया, तो ये फोटो उनके वेब पोर्टल से चेंज की गई, पोर्टल से फोटो बदली गई, लेकिन ट्विटर पोस्ट में फोटो उस वक्त तक भी वही थी जब मैंने आखिरी बार देखा था। चेंज होने के बाद पोर्टल से चेंज हो गया था, ट्विटर पोस्ट पे वही थी फोटो, और चेंज होने के बाद ये फोटो लगा दी गई। यहाँ भी किसी मुल्ले मौलवी मौलाना की फोटो नहीं लगाई गई और ना ही इंडियन प्रीस्ट की जगह मुस्लिम प्रीस्ट मौलवी ऐसा कुछ लिखा गया। तो सेकुलरिज्म का स्तर देखिए, इतनी डंडे पड़ने के बाद भी, इतनी जलीलियत होने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे, तो आप उसकी लिमिट समझ सकते हैं कि लोग कितने ढीठ हैं, इनका एजेंडा कितना स्ट्रांग है, इनको जो फंडिंग आती है वो कितनी स्ट्रांग है कि इनको टस से मस नहीं होने देती, बस अपनी पर्सनल लेवल की जलीलियत नहीं देख पाए तो थोड़ा बहुत फोटो बदल दिए, बस कॉन्टेक्स्ट हेडलाइन का वही रहा ना जिससे लोग बेवकूफ़ बन सकें। खैर इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनका पाखंड एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करें। मुझे पता है बहुत लोगों ने अलग अलग माध्यम से इस बारे में जान लिया होगा, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मतलब था कि कभी भी कुछ ऐसा आप देखें जो आपको भ्रमित कर सकता है, उसको आप पूरा आर्टिकल पढ़ें, शेयर करने से पहले, रिट्वीट करने से पहले, दिमाग में कुछ भी कंक्लूजन बनाने से पहले, पहले उस चीज़ को जान लें, परख लें, आप समझ जाएं कि ऐसे लोग एजेंडा पहले फैलाएंगे, सच्चाई बाद में दिखाएंगे, तो इनको पहले आप परखें, बाद में इन पर भरोसा करें। तो लाइन नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, खैर इन पर विश्वास तब भी ना करें। खैर आज के लिए इतना, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताइए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ऐसे लोगों की बातें पहुँचे। देखिए प्रेशर पड़ा तो इन लोगों ने फोटो बदली, वेबसाइट से बदली, भले पोस्ट पर ट्विटर पोस्ट पर वही रही, उस वक्त वही रही जब तक मैंने देखा था, और स्क्रीनशॉट भी मैंने उसी वक्त लिया हुआ था, उसमें मैं बात पहले ही करने वाला था, थोड़ा सा लेट हो गया। खैर आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।